उड़ीसा के पांच महान संतों के द्वारा लिखा गया है भविष्य मालिका, और वो भी आज नहीं, आज से 500 साल पहले। तो भविष्य मालिका में लिखा गया है युग अंत के बारे में, युग के अंतिम कालखंड में क्या क्या होगा, और उसी भविष्य मालिका के ऊपर अपनी जिंदगी के कीमती समय यानी 10 साल दिए हैं अपने रिसर्च। उसी भविष्य मालिका के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं पिछले 10 साल से, अपनी जिंदगी के कीमती समय दिए हैं, 10 साल दिए हैं भविष्य मालिका के रिसर्च। खाली भविष्य मालिका के ऊपर ही नहीं, जो साइंस, जो साइंटिफिक डाटा है उसी के ऊपर भी कर रहे हैं रिसर्च। तो हमारे साथ जुड़े हैं भविष्य मालिका के रिसर्चर श्री दीपक अग्रवाल जी, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सो अभी हम दीपक अग्रवाल जी के स्टूडियो में हैं, कोलकाता में पहुंचा है हमारी टीम। जब फोन पर हम संपर्क किए थे दीपक अग्रवाल जी से, तो उनके जो रिसर्च है वो कैसे आप तक पहुंचा जाए, तो हमारा मेन मकसद तो वही है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं दीपक अग्रवाल जी, आइए जानते हैं 10 साल से उनकी जो कड़ी मेहनत, 10 साल से उनकी जो रिसर्च, क्या छुपा है उस रिसर्च में। जी दर्शकों को जरा बताइए। हाँ, मैं पहले ये कहूँगा कि मैं अभी लास्ट 10-15 साल के अंदर कई तरह की प्रोफेसीज थी, जैसे मायन प्रोफेसी आई, फिर एक 2000 साल में कुछ .com का कुछ आया ऐसा, तो लोग डर के मारे फॉलो किए, फिर उनके मन से विश्वास हट गया। तो मैं भी वैसे ही था साधारण, मैं भी जैसे मैंने भविष्य मालिका के बारे में जब जाना तो मुझे पता चला कि भाई हाँ ठीक है, 500-600 साल पहले अपने महर्षियों ने लिखा है, और ऐसे युग परिवर्तन और युग अंत के बारे में लिखा है कि युग अंत होगा, फिर युग परिवर्तन होगा, सतयुग आएगा। तो भाई हम साधारण लोग हर चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं, फिर एक समय सीमा रहती है, वो समय सीमा गुजर जाने के बाद फिर हमें लगता है यार ये तो बेमतलब का हमने प्रश्न उठता है कि हमने क्यों इस बात पे विश्वास किया, हमारी कीमती, हाँ, हाँ, इसके, इसके पीछे में हम घबरा गए, क्या है नहीं है। तो वैसे ही मैंने उसको उस ढंग से लिया। फिर मेरी हॉबी थी, मेरा एक शौक था कि मैं कुछ वैज्ञानिकों का रिसर्च को मैं पढ़ता हूँ। मैं बाई प्रोफेशन व्यवसाय करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, तो मेरा कोई साइंस से लेना देना नहीं है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं छात्र हूँ, बट मुझे साइंस, साइंस के कारण हर चीज़ को मैं लॉजिक से सोचता हूँ। कोई भी चीज़ आती है मैं उसको लॉजिक से सोचता हूँ। मेरा शौक जैसे साइंस में है, अभी कुछ रिसेंटली अभी एस्ट्रोलॉजी में भी है थोड़ा बहुत, तो हर चीज़ को मैं साइंटिफिक वे से देखता हूँ, मेरा नज़रिया है। तो मैं जब भविष्य मालिका में उन्होंने कहा मोटी गिनी चुनी 4-5-6 बातें हैं जो बार बार अपने सुनते हैं कि भाई जो सूरज हमारा रक्षक है, यहाँ पे जो प्रकृति और जीवन का रक्षा करते हैं पृथ्वी पे, वही विनाश करेंगे, विनाश करेंगे पृथ्वी का। तो भविष्य मालिका में उन्होंने ये लिखा है। फिर उन्होंने ये लिखा कि भाई उस समय बहुत सारी आपदाएं आएंगी, जिसमें भूकंप होंगे, सुनामी होगी, मौसम में इतना बदलाव आएगा कि किसान, क्लाइमेट चेंज होगा, तो किसान खेती में बार बार उनको नुकसान होगा, तो वो खेती करना बंद कर देंगे। फिर उन्होंने लिखा कि भाई इतने समाज का पतन होगा कि कलयुग घोर हो जाएगा, उसके कारण तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसके कारण काफ़ी नुकसान होगा। प्लस इन सारी चीज़ों को, मोटी मोटी जो 4-5-6 चीज़ें हैं इनमें ये, और प्लस कई तरह की बीमारियाँ आएंगी, जैसे अभी कोरोना गया, महामारी और वो और भी कई तरह की आने वाली हैं उन भविष्यवाणी में। तो ये सब चीज़ देख के एक बार मन डर भी जाता है, फिर आदमी देखता है कि भाई कुछ सालों पहले कुछ भविष्यवाणियाँ गई और उसके बाद में वो सफल नहीं हुई, नहीं मतलब सफल क्या करेंगे, हुई नहीं, अच्छा ही हुआ नहीं भी। तो एक संत महापुरुष जो इतने जगन्नाथ जी के मतलब उत्कृष्ट भगत थे, उनके द्वारा क्यों झूठी चीज़ें फैलाई जाएंगी, तो होगी नहीं। और उन्हें कविता में, काव्य में लिखा है, और उड़ीसा लैंग्वेज में, उड़िया लैंग्वेज में लिखा है, तो उड़ीसा वासियों तक
ये रह गया, सीमित है, सीमित था। अब कुछ सालों से एक ग्रंथ नहीं, 1,85,000 ग्रंथ, 1,85,000 ग्रंथ उन्होंने लिखे काव्य में, पांच सखाओं ने। तो ये एक तरह की अविस्मरणीय चीज है कि अविश्वास भी होता है कि कैसे लिख सकते हैं, वो भी काव्य में जी। तो अब वो कितने पहुंचे हुए संत होंगे और उनको कितनी दिव्य दृष्टि होगी, आप पहले तो अपने ये सोचें। और फिर वो संत महापुरुष सबका भला करते हैं, इसमें हमारी क्या भलाई छुपी, हमें ये भी देखना है, क्योंकि वो डराने के लिए तो नहीं लिखे। तो अब इन सारे प्रश्नों के बाद मैं जब कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक थे, उनके बारे में मैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैं उनके रिसर्च को मैं पढ़ता हूँ, मेरा शौक था, मैं खाली समय में बीच बीच में देखता हूँ। तो मेरी आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वो भविष्य मल्लिका और ये संत के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने उनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं और वो जो रिसर्च की वो सारी बातें निकली, पूरी की पूरी समय अवधि के साथ, और उनकी जो था कि भाई वो भी बोलते हैं सूरज की तरफ से ऐसा सौर विकिरण आएगा, सौर किरणें आएंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन अंग्रेजी में, और उसके कारण पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र हमें यहाँ पे हमारे इकोसिस्टम को, हमारी जलवायु को, हमारे जीवन को यहाँ पे बचा के रखता है। पूरी समझ लीजिए जीवन, मतलब जैसे वनस्पति है, जानवर हैं और जीव जंतु हैं, सबको वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए समझ लीजिए ईश्वर है, धरती पे प्राण वायु की रक्षा करते हैं। तो जब मैंने उनके बारे में सुना तो वो दोनों की बातें बहुत सिमिलर मिल रही थी, और प्लस साधारण लोगों की समझ के बाहर वो उतने डीप में वो लोग जाते नहीं है ये साइंटिफिक रिसर्च। अब मैं इसको बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में मैं बताने की कोशिश करूंगा सत्य भाई, जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी टेक्निकल है ये समझ में नहीं आएगी साधारण लोगों को। तो अपने अगर साइंस का पहले अगर सुने, उनका कहना है कि सन 1850 से वैज्ञानिक लोग अपनी इस चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि 1850 से लेकर 1900 तक 100 साल में उनके हिसाब से 5% चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, कमजोर हुआ है, और 100 साल में 5%, सिर्फ 5%, ठीक है, फाइन। उसके बाद 1950 के बाद इसकी गति बढ़ने लगी जी। और गति जब बढ़ने लगी तो वैज्ञानिक लोग अचंभित हो गए कि हर 10 साल, जो 100 साल के पीरियड में 5% गया, वो हर 10 साल में करीब करीब 5-5% करके चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता जा रहा है। जी, आपके पास जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें डायग्राम भी है सर। डायग्राम है, हाँ। वो मेरे कंप्यूटर में है, वो आप देख लीजिएगा, आपके पास होगा। दिखा दीजिए, हम तो थोड़ा ग्राफिकल इसको दिखाएंगे। एक्चुअली ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसे सत्य भाई और अच्छे से दिखा देंगे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये पृथ्वी समझ लीजिए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे क्या करता है कि जब सौर किरणें आती हैं तो सौर किरणें इसके ऊपर और नीचे से एक ढाल की तरह ये काम करता है, हमें खतरनाक सौर किरणों से बचाता है जो ये ऊपर और नीचे से निकल जाती है। और कुछ मामूली सी किरणें, घातक किरणें घुसती हैं, वो इतनी कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब हो क्या रहा है कि पृथ्वी के दक्षिण भाग में एक डिफेक्ट आ रहा है, एक एनोमली अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं साउथ एटलांटिक एनोमली, दक्षिणी की एनोमली। ये आप जब जाके रिसर्च करेंगे यूट्यूब में या गूगल में आपको मिल जाएगा। ये इस जगह पे साउदर्न पार्ट ऑफ माने दक्षिण ध्रुव में ये सबसे चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो चुका है, जिसको ये वैज्ञानिक लोग नाम दे रहे हैं साउथ एटलांटिक एनोमली। अब हो क्या रहा है कि जब भी सौर किरणें आ रही हैं, और ये बहुत ही छोटा सा ओपनिंग था पहले, और ये बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो चुका है साउथ एटलांटिक एनोमली। अब जो भी सौर किरणें आ रही हैं इस तरफ से लीकेज हो रहा है। अब लीकेज होने से हम कहते हैं कि मौसम में चेंज आ रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, इस अपने पॉल्यूशन कारण, ये भी एक है पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, पर सबसे ज़्यादा अगर हम बहुत मेन कॉज जो है, मेन कॉज जो है ये है कि साउथ एटलांटिक कारण हो रहा है। क्यों? कि जो सौर किरणें इसके थ्रू से घुस रही हैं, ये पानी के भाप बना रही हैं, समुद्र में पानी के भाप बना रही हैं, और समुद्र में पानी के भाप बनाने से इतने तरह के जल भाप बन रहे हैं, वो जाके
विभिन्न जगह पे अचानक जाके बरस रहे हैं। इसके कारण अपने देखते हैं कि इन दिनों में बादल फट रहा है, बार बार ये हो रहा है, ये घटनाएं घट रही है उत्तराखंड में, अभी हमने देखा उत्तराखंड प्लस हिमाचल में। यहाँ पे जो जलवायु के अंदर जो गर्म हवाएं घुस रही हैं, ये टर्नाडोज बना रही हैं और तरह तरह की वो जो साइक्लोन्स बना रही हैं, तो जो हवा जो अपने देखते हैं कि तूफान, तो इसकी संख्या आने वाले दिन में और बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड, अपनी प्रोटेक्शन जब ढाल वीक हो रहा है तो वो उसका घुसने का सिलसिला भी और बढ़ता जाएगा। तो अब सवाल ये हो गया कि असल तो यानी आपका ये मानना है कि मतलब जैसे साल साल में हम 8-10 बार ये फेस करते हैं साइक्लोन, और आने वाले समय में ये बढ़ेगा बढ़ेगा, इसी पे मैं आ रहा हूँ। तो अभी हो क्या रहा है कि 5-5% जब 10-10 साल में घटने लगा, जो कि 100 साल में घटा था वो 10-10 साल में घटने लगा, तो अभी सवाल ये हो गया कि वो घटते घटते बहुत मतलब सावधानी से, कंजर्वेटिव एस्टिमेट साइंटिस्ट लोगों का कि 25% चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो चुका है, हो चुका है, वो डर के कह रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा ही हो चुका है। अच्छा, वो हालांकि कम बता रहे हैं, वो कम बता रहे हैं 25%। और नासा ने 2010 के बाद डाटा देना बंद कर दिया है, तो ये प्राइवेट साइंटिस्ट लोग अपना निकाल रहे हैं। नासा ने क्यों बंद किया भाई? लोगों को जान अगर ये होगा डर लगेगा, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र जो कमजोर हो रहा है, पैनिक हो जाएंगे लोग, पैनिक होंगे लोग। और उसके आगे जो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि अब आने वाले 2-4-5-10 साल के अंदर, मतलब वो 1950 से ही डर रहे थे, 1950 के बाद वो बोल रहे थे कि एक लाइफ टाइम के अंदर, मतलब 50-60-70 साल के अंदर ही कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जो कि एक तरह का एक्सटिंक्शन इवेंट होगा। एक्सटिंक्शन इवेंट मतलब एक तरह से मनुष्य जाति पे या जीव जंतु ये इकोसिस्टम पे खतरा होगा पृथ्वी पे। ये बहुत बड़े बड़े अनुपात में होता है, 12,000 साल, 26,000 साल के बड़े बड़े अनुपात में होता है। तो अच्छा, और ये दोबारा भी होने वाला है, दोबारा बहुत कम समय, कम समय में उनके हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से। अब वो कह रहे हैं कि ये जैसी कमजोर होने की जो दिशा है वो पहले ऐसे थी, अब ऐसे मतलब 100 साल में इस ढंग से धीरे धीरे हुई, अब 10 साल में ऐसे होने चालू हुई, एकदम से डिक्लाइन। अब वो ग्राफ दिखा रहा है, आपके पास ग्राफ होगा आप दीजिएगा, वो ग्राफ सीधा ऐसे जा रहा है। अब उनका कहने का मतलब है कि आने वाले समय में, सालों में ये 100 गुना और तेज हो जाएगी, जो 10 गुना थी वो 100 गुना तेज हो जाएगी। तो 100 गुना जब तेज हो जाएगी तो प्रकृति के अंदर में इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा, कंप्लीट इम्बैलेंस हो जाएगा। अब प्रकृति के अंदर में इम्बैलेंस होने से क्या होगा, जब संतुलन बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ेगा, पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ जो बादलों की क्षमता है रोकने की, जल वो रोक नहीं पा रही है, जल जाते जाते बादल फट जा रहे हैं। जो घटनाएं उत्तराखंड में 5 साल में 5-6 होती थी, अभी 25-30 हो रही है। अभी हमने जैसे देखे जोशीमठ जो है, नैनीताल, भूमि की जो क्षमता है वो कमजोर होगी जी, इसलिए तो कई जगह भूमि दरक रही है, टूट रही है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ये वैज्ञानिक लोगों का कहना है जी। तो अब ये कह रहे हैं कि जब 100 गुना तेज हो जाएगी तो करीब करीब मान लीजिए 50-60% भी जब चुंबकीय क्षेत्र, फिर पृथ्वी में बहुत तरह की समस्याएं आएंगी, खाने पीने के जो वस्तुएं या जो पेड़ पौधे उगते हैं उन पे खतरा हो जाएगा, नई नई तरह की बीमारियां आएंगी। और इसके कारण क्या होता है कि लोगों का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होगा, हेल्थ के इशू भी आएंगे, जो आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे पे, मतलब जो स्कूल जाता हुआ बच्चा बेहोश हो जा रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, उसको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है पर उसकी कमजोरी आ जा रही थी, ये हो रहा है, इस एक्चुअली रेडिएशन के कारण हो रहा है। ओके, ये चुंबकीय क्षेत्र के कमजोरी कारण वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। और ये उसमें फिर आने वाले समय में ये बढ़ेगा बढ़ेगा, प्लस जीव जंतु भी इसमें उनका असर देखने में आ रहा है कि जीव जंतु में जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ कि कुछ 100 व्हेल आकर के एक तटीय क्षेत्र में आ गई, वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ जीव जंतु का दिमाग नहीं काम कर रहा, वो शहरों की तरफ आएंगे, ये भी भविष्यवाणी का में लिखा हुआ है।